छह माह से कम उम्र के नवजात बच्चों के आंखों की जांच के लिए एक निशुल्क जांच शिविर का आयोजन राज आई हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें लगभग 30 बच्चों की आंखों का निशुल्क जांच किया गया। जांच के दौरान कुछ बच्चों में आंखों से पानी गिरने की समस्या, भेंगापन की शिकायत एवं कुछ बच्चों के पर्दे से संबंधित बीमारी सहित अन्य सामान्य दिक्कतें पाई गई, जिनको निःशुल्क परामर्श दिया गया। जाँच शिविर में हॉस्पिटल के प्रोपराइटर डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव के अलावा डॉक्टर दीपेश मौर्य, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद, डॉक्टर हरे राम ओझा, डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव सहित अन्य चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए राज आई हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नवजात बच्चों के आंखों की निःशुल्क जांच की गई है और उन्हें उचित परामर्श दिया गया है। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अगर कोई बच्चा सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में पैदा हुआ और उसके पास सरकारी सर्टिफिकेट है तो उसके इलाज में 75% की छूट दी जाएगी, जिससे उसका उचित इलाज हो सके। गोरखपुरनी से बात करते हुए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा, छः माह से कम के बच्चों को इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आंखों में कमी रहती है, लेकिन अक्सर माता पिता का ध्यान उस पर नहीं जाता है और बच्चे तो अबोध हैं, वो कंप्लेंट कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये व्यवस्था दी गई है कि आज फ्री कैंप में सारे लोग आकर के जांच करा लें, कुछ कमी हो तो उसका समय से इलाज हो जाए, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसका इलाज एक दो महीने के अंदर अंदर न हो तो वो हमेशा के लिए अंधापन पैदा करती हैं। जैसे कि आज ही कई बच्चों में देखा गया कि उनको आरोपी है और उनका इलाज हो जाएगा, वो एक महीने डेढ़ महीने में ठीक हो जाएंगे। यदि ये पकड़ में नहीं आता तो अगले एक दो महीने के अंदर अंदर बच्चे अंधे हो जाते हैं। फिर उसी तरह से कुछ बच्चों में स्क्विंट है, तो वो स्क्विंट का भी ऑपरेशन 4 से 5 महीने के बीच में होता है, तो वो 4-5 बच्चे को पता नहीं रहेगा तो माँ बाप सोचेंगे चलो थोड़ा टेढ़ा है, बड़ा होगा तो कराएंगे ऑपरेशन। किसी से राय लेते हैं वो भी बोलता है कि अच्छा तो भाई बच्चा बड़ा होगा तो होगा, लेकिन इसका सही टाइम 4 महीने से 6 महीने के बीच में होता है ऑपरेशन, अधिक से अधिक 16 महीने के बीच में हो जाना चाहिए। तो ये बात जानकारी रहेगी तो माता पिता खुद ही चिंतित रहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में वो बड़ा होने देते हैं बच्चे को और बाद में कोई इलाज नहीं हो पाता है। फिर कुछ बच्चों को मोतियाबिंद होता है, कुछ बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा या कैंसर होता है, तो ये सब चीज़ें माँ बाप को समझ में नहीं आएगा, तो वो दिखा लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सभी गार्जियन से, चाहे अपने बच्चे का चाहे उनके जानने वाले किसी के बच्चे का हो, सबको राय दें कि बच्चे को 1 महीने से 2 महीने के बीच 1 महीने पर जरूर दिखाएं और 2 महीने पर एक बार दिखा दें। तो ये 2 टेस्ट हो जाने से उनकी जो कॉमन बीमारियाँ सब पकड़ में आ जाएंगी और यदि ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद से 1-1 साल पर दिखाते रहें। तो ये मैसेज है कि हर बच्चे को स्वस्थ हो तो भी और अस्वस्थ पैदा हुआ, जैसे कम समय में पैदा हो गया, 8 महीने 7 महीने पैदा हो गया, या पैदा होते समय 2 किलो से कम का वजन है, या पैदा होने के बाद इतना बीमार पड़ गया कि उसको हफ्ता 2 हफ्ता तक ICU में रखना पड़ गया, खून चढ़ाना पड़ गया, तो ये सब पहचान है कि बच्चा कमज़ोर या तो पैदा हुआ या बाद में कमज़ोर हो गया, तो उसमें कुछ विकार आ सकता है आँखों में।
तो ऐसे सारे बच्चों को एक महीने की उम्र में और दो महीने की उम्र में दो बार जरूर टेस्ट कराना है। काफ़ी टफ है चेकिंग भी बच्चों का। हाँ, बच्चों में बहुत टाइम लगता है और माँ बाप के लिए बहुत धैर्य की बात है, हमारे लिए भी है, ये काफ़ी वक्त लगता है और लेकिन हम पूरा कंप्लीट जांच करते हैं कि कोई चीज़ छूटने ना पाए और उसमें एक दो घंटा टाइम लगता है जांच करने में। और नॉर्मली इसका फीस 2000 रुपये है लेकिन हम लोग आज के दिन इसको फ्री कर रहे हैं। अभी तक कितने बच्चे आए हैं? अभी तक आज की डेट में 30 आ चुके हैं, अभी और आ रहे हैं तो उनका काम हो रहा है धीरे धीरे, सुबह से चल रहा है। इस तरह कैंप आगे भी लगेगा? अभी कैंप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काम तो रोज़ होता रहेगा लेकिन कैंप की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक व्यवस्था ये किए हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जिनका किसी भी सरकारी अस्पताल में जन्म हुआ है और जनरल बेड पर हुआ है तो उन सबको हम 75% डिस्काउंट देंगे, ट्रीटमेंट में भी और जांच में भी। जांच जैसे 2000 है तो उसमें 75% डिस्काउंट कर देंगे तो उनके लिए 500 में काम हो जाएगा। और जो ऑपरेशन या लेजर है उसमें भी 75% डिस्काउंट कर देंगे तो जो हमारा सामान खर्च होता है बस उतने वही लगेगा और बाकी उनको काम बहुत कम में हो जाएगा तो उसके लिए कोई और प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। जनरल वार्ड में किसी भी सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज हो चाहे सिविल हॉस्पिटल हो चाहे PSC हो, कहीं से भी सरकारी अस्पताल में जनरल वार्ड का में डिलीवरी हुआ है तो उसको मान लिया जाएगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसको ये छूट मिलेगी। इसके अलावा कोई भी बच्चे के डॉक्टर लिख के भेज देते हैं कि बच्चा गरीब है इसको फ्री कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, तो वो भी सुविधा किया हुआ है ताकि इस तरह के बच्चों का पैसे के अभाव में काम न खराब होने पाए क्योंकि उनको बाद में मौका नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट करने का, तो ये व्यवस्था किया गया है। धन्यवाद।